YouTube पर सनराइज एकेडमी सर्च कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट बीट्स YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत वर्सेस इंग्लैंड का जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा पुणे में, वो कब, कितने बजे और किस दिन पर खेला जाएगा। दूसरी बात हम करेंगे, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों बहुत ही भावुक हो गए थे पहले वनडे इंटरनेशनल जब खेला था तब। दोनों ही भाई इतने भावुक हो गए थे कि कृणाल पांड्या तो अपना जो इंटरव्यू होता है वो भी नहीं दे पाए थे, और हार्दिक पांड्या ने 50 रन जब कृणाल पांड्या ने किया तब उसे आकर बहुत ही गले लग कर फुट कर रोए थे। दोस्तों ये बात हम करने वाले हैं। दूसरा ये बात हम करने वाले हैं कि बुमराह को अभी तक बाहर बिठाया गया है, यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अगर बुमराह को इसी तरह बाहर बिठाया जाएगा तो कप्तान कोहली को अपने कप्तान पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों आज की बात के बारे में हम सब कुछ डिटेल में बात करें तो सबसे पहले ये कि इंग्लैंड की टीम को एक बहुत ही बड़ा जोर का झटका लगा है, चूँकि उसे साफ माना जा रहा है कि इंडिया की टीम है जो बाकी के दोनों मैच जीत सकती है, क्योंकि पहले वनडे इंटरनेशनल में कप्तान ओयन मॉर्गन को अंगूठे पर और साइड में तर्जनी उंगली पर चोट लगी है, और बात करें तो सैम बेलिंग्स जिन्होंने बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए भी अब शानदार फील्डिंग करते हुए कंधे पर चोट लगी है, यानी कि अब टीम मैनेजमेंट बोलेगी कि टीम मैनेजमेंट जो कहेगी उसी तरह उस दोनों को खेला जाएगा या फिर नहीं खेला जाएगा वो पता चलेगा। तो ये बात हुई। इस बारे में हम इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया की टीम में भी यही प्रॉब्लम है कि इंडिया की टीम में भी रोहित शर्मा टीम मैनेजमेंट का जब जवाब आएगा तब पता चलेगा कि उसे जो चोट लगी है वो चोट कितनी गहरी है, उसके हिसाब से वो पता चलेगा कि रोहित शर्मा अगले दो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बात करें हम श्रेयस अय्यर की तो उसे भी फील्डिंग करते हुए कंधे पर चोट लगी थी, और श्रेयस अय्यर भी शुरू ही मैच में पेवेलियन अपने ट्रीटमेंट के लिए चले गए थे। अब टीम मैनेजमेंट और जो भी हॉस्पिटलिटी है वो मैनेजमेंट सिलेक्शन करेगा कि अभी ये खिलाड़ी अभी खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। दूसरी बात हम ये करें कि बॉलिंग का जो आक्रम है, बॉलिंग का जो व्यू है वो इंडिया की तरफ से कैसा रहेगा। तो सातवें नंबर पर कृणाल पांड्या यथावत है, आठवें नंबर पर श्रेयस अय्यर, नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, दसवें नंबर पर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा, सॉरी ग्यारहवें नंबर पर रहेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, और दसवें नंबर पर रहेंगे हमारे खिलाड़ी जो लास्ट टाइम भी थे वो। तो ऐसे ही बॉलिंग का व्यू रहेगा, और बीच में हम बात करें तो बीच में भी केएल राहुल को पांचवें क्रम पे खिलाया जाएगा, छठे क्रम पर हार्दिक पांड्या रहेगा, चौथे क्रम पर हमारे जो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर उसे छोड़कर अब सूर्य कुमार यादव खेलने आएंगे, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, और ओपनर में शिखर धवन तो तय है, रोहित शर्मा आ रहे या फिर कोई और वो हमें देखना रहेगा। इस तरह से दोस्तों हम बात करें तो पूरी टीम ऐसे ही शेड्यूल में सेटअप हो जाती है। इसी तरह हम बात करें तो वुमेन्स 2020 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसमें भी शेफाली वर्मा ने ओपनिंग में आते ही बड़ा जोर का झटका दिया है, और ताबड़तोड़ 200 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से शेफाली वर्मा ने बहुत सारे रन बटोर लिए थे। साल ही में ये बात करें तो सीरीज तो इंडिया के हाथ से निकल गया है, फिर भी शेफाली वर्मा ने जो बैटिंग की है वो ताबड़तोड़ कही जा रही है कि वो क्या बैटिंग है यार, दिखा तो दिया एक बार कि सीरीज हाथ से चली गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी टीम अभी भी उसी जोम से खेल रही, उसी बात पे खेल रही है कि हम फिर से अब अगली कोई सीरीज खेली जाएगी तो उसमें हम अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये बात कर रहे थे, तब तक हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों भाई अगले फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में बहुत ही भावुक हो गए थे। कृणाल पांड्या ने ताबड़तोड़ 50 रन ठोक दिए थे, जिससे हम बात करें तो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या बहुत ही रोए थे, क्योंकि दोनों ने अपने पिताश्री को बहुत ही याद किया था। कृणाल पांड्या तो इतना रोए थे कि वो अपना इंटरव्यू भी ठीक तरह से नहीं दे पाए थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये जो मेरी पारी है वो मेरे पिताजी के लिए है। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, और आपको हम एंटरटेन करवाते रहते हैं, और क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें हम आपको पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो लाइक लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।